क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू वशिष्ठ मोहन ब्लॉग्स। तो दोस्तों, अपने 11 से 12 साल के करियर में बॉडी बिल्डिंग में मैंने सबसे ज़्यादा ये सुना है गायनो केमिस्ट्री है। मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ कि भाई मेरे को गाने तो नहीं हो रहा, मेरे को गाने की प्रॉब्लम हो सकती है क्या। मेरे पास नए नए लड़के आते हैं और कहते हैं भाई मेरे चेस्ट देखो, मेरे निपल्स देखो, गायने बन रहा है क्या, अब मैं क्या करूँ, किस कैसे इसको अवॉइड करूँ। इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज़ है जिससे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी काफ़ी परेशान रहते हैं और कॉन्शियस रहते हैं, खासकर ऑफ सीजन में अपने कंसिस्टेंट चेस्ट टिश्यू को चेक करते रहते हैं कि स्वेलिंग तो नहीं हो रही, पफी तो नहीं लग रहा, स्वेलिंग तो नहीं है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले कैसे पता चले कि गायनोकेमिस्ट्रिया, कैसे पता चलेगा कि गायनोकेमिस्ट्रिया आपको है या नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर टेंडरनेस है चेस्ट टिश्यू में, स्वेलिंग हो रही है, इसका मतलब है कि वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। दूसरा, अगर आप अपने चेस्ट टिश्यू को टच करेंगे, निपल एरिया को टच करेंगे, तो अगर हार्ड लंप बना हुआ है तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, अभी और एनलार्ज होगा, इसका मतलब है कि अभी और पेन होगा और टेंडरनेस बढ़ेगी। तीसरा, आप अपना एस्ट्राडाल टेस्ट करा सकते हैं, जिसको हम E2 भी बोलते हैं, और अगर आपका एस्ट्राडाल 13 से 44 तक की रेंज होती है मेल्स में, अगर हायर साइड पे है या फिर इसको क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका गायने बन रहा है या बन सकता है। गायनोकेमिस्ट्रिया है क्या? गायनोकेमिस्ट्रिया इज अ एनलार्जमेंट ऑफ मेल चेस्ट टिश्यू वन साइड और मे बी बोथ साइड, कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग इन द चेस्ट टिश्यू, एंड इट हैपन्स बिकॉज ऑफ हॉर्मोन इम्बैलेंस, मेजरली टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इम्बैलेंस। तो हमें और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि गायनोकेमिस्ट्रिया सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक रिलेटेड है, मतलब बॉडी बिल्डर्स को ही होता है, पर ऐसा नहीं है। अब बॉडी बिल्डर्स को होता क्यों है ये मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें। ये एक न्यू बॉर्न बेबी से लेके एक 45-60 ईयर ओल्ड आदमी को भी होता है, एंड अगेन बिकॉज ऑफ हॉर्मोन इम्बैलेंस। न्यू बॉर्न बेबी को इस वजह से होता है क्योंकि मदर की प्लेसेंटा में एस्ट्रोजन होता है और वहाँ से एस्ट्रोजन न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में जाता है और वो कुछ टाइम बाद निकल भी जाता है। दूसरा, जब मेल्स प्यूबर्टी अटेन करते हैं तो बॉडी में हार्मोन सर्ज बहुत ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी में, और एस्ट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से गायनोकेमिस्ट्रिया होता है और वो कुछ टाइम के बाद नॉर्मल स्टेट में भी आ जाता है जब प्यूबर्टी से बाहर आता है मेल। तीसरा रीजन है ओबेसिटी एंड पीपल हु आर वेरी फैट। अगेन, मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो लोग फैट होते हैं, जो लोग ओबीस होते हैं, उनकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा होता है। फैट ज़्यादा होने की वजह से एक हार्मोन जो कि सबक्यूटेनियस फैट में होता है, जिसको बोलते हैं मरोमेटेज, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने में, वो पाया जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है नॉर्मल बॉडी में भी, पर एक ओबीस की बॉडी में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो एस्ट्रोजन जब भी ज़्यादा मात्रा में होगा तो गायनोकेमिस्ट्रिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अब गायनोकेमिस्ट्रिया एस्ट्रोजन से रिलेटेड है, ये रीज़न तो आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ रीज़न, जो कि गायनोकेमिस्ट्रिया का एक रीज़न है, वो है कार्बोहाइड्रेट। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप स्पेशली प्रोसेस कार्ब हम खाते हैं और फॉर क्वाइट अ पीरियड ऑफ सम टाइम, आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक रहेगा। इंसुलिन स्पाइक की वजह से अरोमेटाइज भी स्पाइक में रहेगा और अरोमेटाइज की वजह से आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती रहेगी, तो कार्ब से दूर रहें। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई ये चेस्ट एरिया में ही क्यों फैट एक्यूमुलेट होता है और ये ग्लैंड डेवलपमेंट चेस्ट एरिया में ही क्यों होती है, तो इसका रीज़न बहुत सिंपल है भाई। इसका रीज़न ये है कि एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है और फीमेल हार्मोन होने की वजह से फैट एक्यूमुलेशन भी फीमेल की तरह ही होती है। तो फीमेल के ग्लूट एरिया में, थाई एरिया में, चेस्ट एरिया में फैट एक्यूमुलेशन होती है एस्ट्रोजन की वजह से। सेम, क्योंकि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हाई जा रहा है तो फैट एक्यूमुलेशन भी उसी तरीके से होगी। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन है जिसकी वजह से बॉडी एस्ट्रोजेनिक होती है और एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ता है, जिसकी वजह से गायनोकेमिस्ट्रिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी अल्सर, आपकी
लिवर एंड हार्ट मेडिसिन, आपके एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। बहुत लोगों को उत्सुकता है कि एंड्रोजन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कैसे बॉडी को कैसे एस्ट्रोजन ज़्यादा पंप करते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। एक बहुत बड़ा रीज़न प्लास्टिक भी है, क्योंकि प्लास्टिक, आप जब भी प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना खाते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स में पानी पीते हैं, तो कुछ मात्रा में प्लास्टिक आपकी बॉडी में जाता है। प्लास्टिक आपकी बॉडी में जाके एस्ट्रोजन को मिमिक करता है और इसकी वजह से बॉडी एस्ट्रोजेनिक होती है। अब बात करते हैं हम क्यों एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स गायनोकेमिस्ट्री का कारण बनते हैं बॉडी बिल्डर्स में। हम एक सिंपल मैथ लेते हैं, आपकी टेस्टिस मिनिमम 4 to 8 mg पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है एवरी डे। हम वीकली मान लेते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं 6 mg पर डेसीलीटर। उस इसका मतलब हो गया 6 × 7 मीन्स 42 mg पर डेसीलीटर। अगर हम मंथली देख लें तो ये फिगर बनता है 168 mg पर डेसीलीटर। अब जब बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड इंजेक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन, तो आप लोगों को भी पता है वो किस मात्रा में करता है। जो मात्राएं हैं वो मान लेते हैं मिनिमम 250 mg, और आप भी जानते हैं लोग कितना कितना टेस्ट इंजेक्ट करते हैं। तो 250 जब आप वीकली इंजेक्ट करते हैं तो 250 × 4 हो गया 1000। 1000 माइनस 168 एक फिगर आती है। आप ये देखिए कि वीकली आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है 42 mg पर डेसीलीटर और आप इंजेक्ट करते हैं 250 mg पर डेसीलीटर। एक महीने का आंकड़े में कितना डिफरेंस आ गया। अभी जो इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में होता है, ये ऑफकोर्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है मसल में और मसल को बनाता है। पर एक नॉर्मल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है, एक DHT और एक एस्ट्रोजन। DHT जिसे हम बोलते हैं डाइहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजन हम लोगों को पता है। जब 1000 mg टेस्टोस्टेरोन मंथली बॉडी में जाता है तो बहुत सारा पोर्शन टेस्टोस्टेरोन का एस्ट्रोजन और DHT में भी बनता है। अब DHT ज़्यादा होने की वजह से हेयर फॉल और मेल ब्लैकनेस का कारण बनता है, और एस्ट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से गायनोकेमिस्ट्री का कारण बनता है। इन दोनों के बनने के डिफरेंट प्रोसेस है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, पर मैंने एक आपको रफली आइडिया दे दिया कि बॉडी बिल्डिंग में गायनोकेमिस्ट्री क्यों बनता है। अब बात करते हैं बॉडी बिल्डर्स किस तरीके से गायनोकेमिस्ट्री से बच सकते हैं, और क्या एस्ट्रोजन बॉडी में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, एस्ट्रोजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है मेल बॉडी के लिए भी, एक स्पेसिफिक मात्रा में, क्योंकि ये आपके लिबिडो को मॉड्यूलेट करता है और आपकी सेक्स ड्राइव को जनरेट करता है। अब आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा कि एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स खा लिए, ये खा लिया, टमोक्सिविन खा ली, आरिमिडेक्स खा ली, बिना सोचे समझे। और आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ कितने सारे बॉडी बिल्डर्स या कितने सारे एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स केयरलेस होते हैं और अपना ब्लड वर्क कभी कराते ही नहीं। इसके कारण से उनको अपने E2 लेवल्स बॉडी में, एस्ट्राडॉल लेवल्स पता ही नहीं चलते, और वो पिल्स खाते रहते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि सेक्स ड्राइव बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा क्या है, आपको ज़रूरत भी है मेडिसिन लेने की या नहीं। अब एस्ट्रोजन इतना इम्पॉर्टेंट हार्मोन है कि एस्ट्रोजन आपके जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं मसल में, उनको रिस्पॉन्सिव बनाता है ताकि आप मसल गेन ज़्यादा कर पाए। मैंने आपको कारण बताया कि क्यों बॉडी बिल्डिंग में एस्ट्रोजन, बॉडी बिल्डर्स में एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बनता है, और क्यों एस्ट्रोजन कारण बनता है गायनोकेमिस्ट्री बनने का। तो अगर सिर्फ हम अपने ब्लड वर्क पे का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम कराते रहें, तो आपको गायनोकेमिस्ट्री का इशू नहीं होगा। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा करंट एस्ट्रोजन
इन द बॉडी कितना है। मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में रेंज बताई है, मैं फिर से बता देता हूँ, 13 to 44 पिकोग्राम हमारी रेंज है। आपको अगर आप ऑफ सीजन में हो तो आप थोड़ा सा हायर साइड तक हो सकते हो, पर यू शुड नेवर बी क्रॉसिंग दिस रेंज। अगर आप थोड़ा सा हायर साइड सकते हैं एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स जैसे कि टेमोक्सिफिन, एरिमिडेक्स, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी और इनकी भी प्रॉपर डोजेज पता होना बहुत जरूरी है। नो दिस दैट एस्ट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट इन मेल बॉडी, बट टू मच एस्ट्रोजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन मेल बॉडी एंड वी शुड कीप अ चेक ऑन इट। ऑलवेज रिमेंबर दैट लिटिल इज ऑलवेज बेटर इन बॉडी बिल्डिंग। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसे लगी आप मेरे को जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और आप मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों को जो कि गायनेकोमेस्टिया के इश्यू से परेशान है, उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप लोगों को गायनेकोमेस्टिया से के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में या फिर आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं पर्सनली। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक यू।